वॉर अपडेट में आपको छोटी लेकिन मोटी खबर बताने आया हूं। काले सागर से समुद्री ड्रोन यानी एक नाव को विस्फोटक बनाकर रूस की तरफ तेजी से यूक्रेन ने रवाना किया था। रशिया ने ब्लैक सी में उस समुद्री ड्रोन को तबाह करके यूक्रेन के बड़े प्लान को फेल किया है। वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने सामने आकर कहा कि वेस्ट और अमेरिका का जो प्लान है कि रशिया की इकोनॉमी तोड़ दी जाए, ये कभी पूरा ही नहीं हो सकता। रूस की इकोनॉमी कभी नहीं तोड़ी जा सकती। Совсем другой, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не происходит, не произошло. И уже явно не произойдет. Явно не произойдет. Напомню, значит... Хакикат дусри тараф ек е бхи хе, ки ЮКЕ ки think tank не каха хе, Британ ки intelligence самаж лиже, кьюки е хакикат хе. Ор е репорт, жаб Россия де раха та, то нахи мани жа рахи. Аб е Британ ки тараф се репорт аи хе, ки хар махине 10,000 ड्रोन का नुकसान सिर्फ यूक्रेन को हो रहा है। तो ये वेस्ट का मीडिया सिर्फ रूस का नुकसान दिखा रहा है, जबकि यूक्रेन भारी नुकसान से दो चार है। और यूक्रेन का नुकसान सिर्फ यूक्रेन का नहीं, पूरे यूरोप का है। उधर व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने खुली धमकी दी है, एकदम साफ साफ कहा है कि वेस्ट जितने खतरनाक हथियार देगा हम उतने खतरनाक हमले करेंगे, और खतरनाक हथियारों के बाद हम न्यूक्लियर हथियार भी तैनात कर सकते हैं। अब रशिया ने एदिवका, यूक्रेन के एदिवका के इलाके पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया, जिसके बाद पूरा एदिवका बर्बाद हो गया है। वहीं मैंने आपको कल एक जानकारी दी थी कि रशिया के अंदर के शहर, रूस के ही शहर बेलग्रोड में आतंकवादी हथियारों के साथ घुस गए हैं। रशिया ने जानकारी दी है कि हमने 70 आतंकवादियों को मार गिराया है। अगर 70 को मार गिराया है तो इसका मतलब कितनी बड़ी सेना, पूरी की पूरी सेना की टुकड़ी लगता है घुस चुकी है रूस के अंदर, जिसे रशिया छुपा रहा है। लेकिन बेलग्रोड के इलाके में जो तबाही मची है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। Ваши впечатления? Ваши? Красавцы. Давайте, вылетаем. Впечатление, Илюха. अब नेटो ने रूस को नरम करने के लिए क्लेरिफिकेशन दिया है कि हम यानी नेटो के देश यूक्रेन के सैनिकों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन हम इस जंग का हिस्सा नहीं हैं। मतलब गू खा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमारे मुंह से बदबू नहीं आ रही है। बहरहाल इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।